कांकेर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ उसके प्रेमी और दोस्तों ने अश्लील वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल कर रेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने इस वारदात में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर में सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत डंगनिया गांव में बाइक खराब होना दो युवकों को इतना भारी पड़ गया कि देर रात गांव के पांच लोगों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ग्रामीण युवकों ने उन पर चोरी की कोशिश का इल्जाम लगा, दोनों को अधमरा होने तक जमकर पीटा, फिर उन्हें छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के रेलवे सुरक्षा बल ने तिफरा थाना क्षेत्र स्थित सीएससी कॉमन सेंटर में दबिश देकर दुकान संचालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 44 टिकट बरामद किए हैं। संचालक इन टिकटों को दो पर्सनल आईडी से बनाया था, इसके एवज में यात्रियों से कमीशन भी लिया करता था। आरोपी के कब्जे से सीपीयू, डेस्कटॉप, माउस व एक मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। लगभग डेढ़ माह पूर्व सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में ग्राम फुनगी में धनेश्वर पैकरा की खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश के मामले का राजफास पुलिस ने कर दिया है। मामले में मृतक के चाचा, चचेरे भाई सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों ने मिलकर खेत के पानी में डुबाकर उसकी हत्या कर दी थी। सरगुजा पुलिस ने ऑनलाइन शिक्षा प्रदाता कंपनी की फ्रेंचाइज देने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी रणधीर कुमार प्रियदर्शी को कोतवाली थाना पुलिस ने झारखंड के हटिया से गिरफ्तार किया है। आरोपी हटिया के 1C सत्या अपार्टमेंट रोड नंबर 15 जगन्नाथपुर रांची का रहने वाला है। आरोपी द्वारा अंबिकापुर के हरजिंदर सिंह छाबड़ा से 2.5 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की थी। बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र के ग्राम भालूकोना में 29 जुलाई की रात हुई संध्या राजपूत की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी विकास कुमार यादव को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतका के साथ उनका 2 साल से मेलजोल था। मृतका बार बार उसे मिलने के लिए घर बुलाती थी और नहीं आने पर उसे फंसा देने की धमकी देती थी। बेमेतला जिले के देवकर चौकी पुलिस क्षेत्र में भिलाई की ACCU टीम व भिलाई नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देवकर के दो कबाड़ी के गोदाम में दबिश देकर चोरी के वाहन को काट कर रखे पार्ट्स को जब्त कर दोनों कबाड़ियों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा के NMDC बचेली चेक पोस्ट पर जिला पंचायत अध्यक्ष कर्मा धरने पर बैठी। गेस्ट हाउस में NMDC अधिकारियों के बर्ताव से नाराज होकर जिला पंचायत अध्यक्ष धरना दे रही हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण युवा भी वहां मौजूद थे। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र स्थित हाई स्कूल के सामने देवेंद्र जनरल स्टोर के ऊपर माल वाले गोदाम में जहां जनरल स्टोर के सामानों को रखा जाता था, बीती शाम करीब 4 बजे के आसपास भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के व्यापारियों, ग्रामीणों एवं दमकल की मदद से करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। नक्सल प्रभावित बीजापुर के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के कोदुम में एक आत्मसमर्पण नक्सली की हत्या की गई। आत्मसमर्पित नक्सली बामन पोडियन 3 महीने पहले मई माह में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। सरेंडर करने के बाद बीजापुर पुलिस लाइन में रहने लगा था। बामन पोडियम सरेंडर करने के बाद अचानक पुलिस लाइन से 15-20 दिन पहले फरार हो गया था। जांजगीर चांपा जिले में युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक की बेरहमी से हत्या कर सड़क पर शव को फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक रात में सड़क पर टहलता हुआ दिखा और सुबह उसकी लाश मिली। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र स्थित नागार्जुन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में घुसकर 18 मीटर केबल कॉपर काट कर चोरी करने वाले आरोपी को दीपका पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का कॉपर केबल जब्त कर लिया है।